हाय गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे एक नए वीडियो में। और आज अपने साथ है ESD की रोडस्टर। ये अपने पास दो की है, इसकी दो की आपको कंपनी से मिलती है। यहाँ पे ESD नाम लिखा है। ये साइड में आपको दोनों साइड में कुछ देखने को नहीं मिलता है, एकदम से प्लेन एंड सिंपल चाबी है। दो चाबी आपको मिलती है, एक आप अपने साथ रख लीजिए एंड दूसरी आप घर पर रख दीजिए। अगर पहले वाली कभी कोई दिक्कत हो गई, आपने कहीं घुमा दी, तो दूसरी वाली यूज आप कर सकते हैं। ESD ने तीन मॉडल लॉन्च किए हैं, तीनों में से ये वाला एक मॉडल ऐसा है जहाँ पे आपको की ये साइड में लगानी पड़ेगी। अगर आपको लॉक करना है, अनलॉक करना है, तो आपको यहीं से करना पड़ेगा। बाकी दूसरे जो दो मॉडल है उनमें आपको की यहाँ पे नॉर्मल जो की आजकल की बाइक्स में लगती है वहाँ पे लगानी पड़ती है, बट इसमें नीचे आपको लगानी पड़ेगी। इसमें आपको दो वेरिएंट मिलते हैं, एक है डार्क, दूसरा है क्रोम। आपको डार्क में मिलेंगे तीन कलर, क्रोम में मिलेंगे दो कलर। स्टार्टिंग प्राइस हैदराबाद का एक शोरूम है 2,01,000 रुपीज, ऑल द वे टू 2,09,000 रुपीज। तो ये एक शोरूम प्राइस बता रहा हूं, तो मेरे हिसाब से ऑन रोड पड़ना चाहिए 2,30,000 से लेकर 2,35,000 तक। शोरूम की डिटेल आपको मैं नीचे दे दूंगा, आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये बाइक चलने में कैसी है, क्या क्या इसका स्पेसिफिकेशन है, ये सब चीजों के बारे में हम ये वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो आपको पहले मैं बाइक चारों तरफ से घूम घूम के दिखा देता हूं कि दिखने में कैसी है। एंड आप लोग मुझे ज़रूर बताएं कि आपका ओपिनियन क्या है ये बाइक की डिज़ाइन के बारे में, ये बाइक का जो लुक्स है जैसा इसको दिया गया है आपको कैसा लगा, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके ज़रूर बताएं। अब बात करते हैं डिज़ाइन के बारे में। डिज़ाइन काफ़ी अच्छी है एंड थोड़ा बहुत मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जो जावा की 42 वैसा थोड़ा बहुत टच यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, बट बाकी जो डिज़ाइन दी गई है, जैसे सीट आप देख सकते हैं, पीछे जो बैकरेस्ट है, पीछे का जो मडगार्ड वगैरह है, हैंडल बार है, सामने का लुक है, वो डिफरेंट है। फिट एंड फिनिश काफ़ी अच्छा लगा, डिज़ाइन मुझे काफ़ी अच्छी लगी। स्पेशली ये वाला जो कलर है ये काफ़ी दिख के आता है रोड के ऊपर। फिट एंड फिनिश में मुझे कहीं भी मुझे ऐसा लगा नहीं कि कंपनी ने कंजूसी की है। डिज़ाइन के मामले में, लुक्स के मामले में, फिट एंड फिनिश के मामले में बहुत मुझे अच्छी लगी। कहीं मुझे ऐसा लगा नहीं कि कोई पार्ट सही से फिट किया नहीं गया है। ओवरऑल डिज़ाइन के मामले में, फिट एंड फिनिश के मामले में ESD ने बहुत अच्छा काम किया है। अब बात करते हैं बाइक के बारे में। तो सामने आप यहाँ पे देखेंगे तो एक छोटी सी विंडशील्ड दी गई है। यहाँ पर आपको गोल हेडलाइट मिलती है, पूरी LED है भाई ये। यहाँ पे ESD का जो लोगो है वो दिया गया है, अटेंशन टू डिटेल। सिर्फ इग्निशन स्टार्ट करोगे तो नीचे वाली लाइट जल जाएगी। अगर आपको हाई बीम यूज़ करना है तो आपको इंजन को स्टार्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे क्रोम की रिंग दी गई है चारों तरफ। गाड़ी के नंबर प्लेट यहाँ पे आप लगा सकते हैं। इसमें आपको नॉर्मल इंडिकेटर मिलते हैं एंड दो दूसरे मॉडल है इसके, स्क्रैम्बलर एंड एडवेंचर, उसमें आपको LED इंडिकेटर मिलते हैं। छोटी सी विंडशील्ड है यहाँ पे, जो सिर्फ मुझे लगता है कि लुक्स के लिए लगाई गई है एंड काफ़ी अच्छी दिखती है। सस्पेंशन सामने टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको दिया गया है। प्रोटेक्शन यहाँ पे आपको दी गई है, मिनो मिट्टी कीचड़ कहीं पे भी इसको आप चलाते हो तो मिट्टी वगैरह सस्पेंशन के अंदर ना जाए, जो सस्पेंशन का जो ऑयल सील होता है वो ना कटे, तो कंपनी ने प्रोटेक्शन यहाँ पे दी है। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर दिया गया है। टायर इसमें आपको मिलते हैं MRF के, सामने का टायर आप यहाँ पे देख सकते हैं। ट्यूबलेस टायर आपको दिया गया है, 100x90 18 इंच का ट्यूबलेस टायर, यहाँ पे ESD लिखा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड एलो व्हील कंप्लीट ब्लैक्ड आउट दिया गया है। बाइब्री का आपको कैलिपर यहाँ पे दिया गया है, ये फ्लोटिंग कैलिपर है। एंड साथ ही साथ जो डिस्क का साइज़ है वो है 320 mm। ड्यूल चैनल ABS आपको इसके अंदर मिलता है, पीछे भी आपको ABS मिलता है, सामने भी आपको ABS मिलता है। पीछे का जो डिस्क प्लेट है उसका साइज़ है 240 mm। ये साइड में अगर आप देखेंगे तो दिखने में काफ़ी कॉम्पैक्ट दिखती है, स्लीक बोलते हैं ना जिसको, कि आप कहीं से भी इसको घुसा दो ये चली जाएगी, वैसा कुछ फील ये देती है। बड़ा सा रेडिएटर दिया गया है, रेडिएटर गार्ड कंपनी की तरफ से आपको मिलता है। कभी आप खराब रोड पे जाते हो वो टाइम पे पत्थर वगैरह आके रेडिएटर को ना लगे, तो कंपनी ने यहाँ पे आपको रेडिएटर गार्ड भी दिया है। नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे कूलेंट भरने के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है। बेस प्लेट दी गई है ताकि अगर कोई स्पीड ब्रेकर पर कभी टच हो जाए बाइक या फिर कोई पत्थर पर लग जाए तो आपके जो इंजन है बाइक का उसको कोई नुकसान ना हो। एग्जॉस्ट जो दिया गया है उसके ऊपर आपको ये हीट शील्ड दी गई है, यहाँ तक आप देख सकते हैं हीट शील्ड आपको मिलती है। एंड उसके बाद में कंप्लीट ब्लैक्ड आउट एग्जॉस्ट आपको ये वाले कलर में मिलता है। एंड एग्जॉस्ट का जो डिज़ाइन है मुझे लगता है कि बाइक का जो ओवरऑल यू नो लुक है उसके ऊपर काफ़ी अच्छे से फिट बैठता है। ज़्यादा मोटा नहीं है एग्जॉस्ट, पतला सा है। आपको एक बार इसकी आवाज़ भी मैं सुना देता हूँ। तो एग्जॉस्ट कुछ ऐसा साउंड करता है। मेरे हिसाब से जो बाइक का जो कैटेगरी है रोडस्टर, उसके हिसाब से एग्जॉस्ट साउंड है वो काफ़ी मैच करता है बाइक के ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है, जो इंजन का साउंड वगैरह है वो मुझे लगता है कि आपको काफ़ी पसंद आने वाला है। एंड अब रही बात इंजन की, तो ये जो इंजन है ये 334 cc का है, DOHC सेटअप है, फ्यूल इंजेक्टेड है, लिक्विड कूल्ड है, पावर आउटपुट है
29.7 PS का एंड टॉर्क है 29 Nm का। तो पावर आउटपुट मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। अभी हम इसको चला के आपको दिखाएंगे एंड टॉप स्पीड इसकी आप आराम से अचीव कर सकते हो 135-136 जो मैंने अचीव की है, आगे आपको मैं दिखा दूंगा। यहाँ पे रोडस्टर लिखा है, एक स्टिकर दिया गया है, स्टिकर के अंदर भी यू नो SD का नाम लिखा गया है। पीछे आपको गैस चार्ज्ड स्प्रिंग सस्पेंशन मिलता है जो प्रीलोड एडजस्टेबल ऑप्शन के साथ आपको दिया जाता है। पीछे 240 mm का आपको डिस्क मिलता है, ABS भी मिलता है एंड ये साइड में अगर आप आएंगे तो पीछे आपको जो टेल लाइट है कुछ ऐसी दिखती है, इंडिकेटर कुछ ऐसे दिखते हैं, यहाँ पे आप नंबर प्लेट लगा सकते हैं। नीचे आपको रिफ्लेक्टर दिया गया है नाइट के टाइम पे बाइक की विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए। एक बार आपको ये जो टेल लाइट है वो भी ऑन करके दिखा देता हूँ, हालांकि ये डे टाइम है आपको ज़्यादा दिखेगा नहीं, ये आप देख सकते हैं। क्यूट डिज़ाइन है, मतलब बहुत अच्छा दिखता है। यहाँ पे एक यू नो सिंबल और लोगो मैं कह सकता हूँ और दिया है, ये क्या है आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके ज़रूर बताएं। एक लाइन भी यहाँ से सीट के नीचे से एंड तक आ रही है एंड ये साइड में आपको एक और रिफ्लेक्टर दिया है। यहाँ पे साड़ी गार्ड जो होना चाहिए वो ये बाइक पे नहीं लगा है। आई एम नॉट श्योर कि आपको साड़ी गार्ड मिलेगा ये बाइक के साथ और नहीं, बट मिलना तो चाहिए। यहाँ पे फिर से रिफ्लेक्टर दिया गया है एंड पीछे का जो टायर है वो भी MRF का है, ट्यूबलेस टायर है, 130/80 17 इंच का ट्यूबलेस टायर आपको मिलता है। कंप्लीट ब्लैक्ड आउट आपको एलॉय व्हील दिए गए हैं। क्वालिटी ऑफ फुट पैक्स मुझे ठीक लगी, उतनी ज़्यादा टॉप नॉच नहीं है लेकिन जिस प्राइस पे ये बाइक आपको मिल रही है उसके हिसाब से काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। मुझे अभी तक ऐसा लगा नहीं कि कहीं ना कहीं कंपनी ने यू नो कंजूसी की है। जो कंपनी ने किया है अपने अपना बेस्ट कंपनी ने दिया है। 6-speed गियरबॉक्स इसमें आपको मिलता है, जो जावा की गाड़ियों में भी यही आपको गियरबॉक्स मिलता है जहाँ तक मुझे पता है, बाकी जो दूसरे दो मॉडल है उनमें भी आपको 6-speed गियरबॉक्स मिलता है। गियर शिफ्ट बहुत स्मूथ है, चलने के टाइम हम गियर शिफ्ट के बारे में बात करेंगे कि गियर शिफ्ट कैसा है। यू नो कुछ बाइक्स का गियर शिफ्ट हार्ड होता है ना, आपको वो कट कट वाली आवाज़ आती है जो एक दो दिन अच्छी लगती है, नया फील देती है ना, उसके बाद में मज़ा नहीं आता है। ओवरऑल जो वेट है ना ये बाइक का, ये 184 किलो है। 12.5 लीटर का इसका पेट्रोल टैंक है। 795 mm की इसकी सीट हाइट है। मैं आपको एक बार बैठ के दिखा देता हूँ, मेरे दोनों पैर नीचे आराम से टिक जाएंगे, बट एक कैच यहाँ पे ये है कि इसकी सीट जो है ना, एक बार आप मेरे पैर देख लीजिए नीचे टिक रहे हैं। मेरी हाइट है 5.8 feet, लेकिन सीट हाइट जो है ना वो है 795 mm, लेकिन आपको 800 या 805 की फील दिलाएगी, बिकॉज सीट चौड़ी है। आप बैठोगे तो यहाँ पे नहीं बैठोगे, आप यहाँ पे बैठोगे, सीट चौड़ी है। उसके साथ ही यहाँ पे आप देखोगे ना तो ये वाला पोर्शन आपको थोड़ा टच होगा तो आपको सीट हाइट 800-805 mm के जैसा दिखेगा। तो अगर आपकी हाइट 5.6-5.7 है तो आप ये बाइक को आराम से चला सकते हो, इवन 5.5 वाले भी आराम से इसको चला सकते हैं। 175 mm का इसका ग्राउंड क्लियरेंस है, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। हम लोग दो लोग बैठ के वहाँ पे स्पीड ब्रेकर है, एक नहीं बहुत सारे स्पीड ब्रेकर है ये रोड पे, तो कहीं भी टच नहीं हुई, हमें ऐसा फील भी नहीं हुआ कि भाई दो लोग बैठ के जा रहे हैं बाइक टच हो जाएगी। आप सिटी में चलाओगे इसको ज़्यादा, ऑब्वियसली ये बाइक सिटी में चलाने के लिए ही बनी है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सिटी में इसको चलाएंगे, तो आप कोई भी बड़े से बड़ा स्पीड ब्रेकर है उसके ऊपर से इसको लेके जा सकते हैं, एज लॉन्ग एज कोई पत्थर ना हो। पेट्रोल टैंक के दोनों ही तरफ आपको टैंक पेड दिए गए हैं ताकि आप जब बैठो तो ईजिली आप ऐसे इसको पकड़ के बैठ सकते हैं, मतलब आपका जो पैर है वो इसको अच्छे से ऐसा सट के बैठ सकते हैं। आप हाई स्पीड करते हो या फिर थोड़ा बहुत कॉर्नरिंग करते हो वो टाइम पे आपको अच्छा यहाँ पे ग्रिप मिल जाता है। यहाँ पे SD मोटरसाइकिल ट्राइब लिखा है, SD का यहाँ पे नाम लिखा है, एक लाइन यहाँ से जाते हुए पूरा पीछे तक जाती है। ये वाला जो है ना, ये अगर आप इसको ओपन करोगे ना तो ये हाथ में आ जाएगा। आपको एक बार मैं ओपन करके दिखा देता हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो आप पूरा देखें, क्योंकि धूप में मेहनत करना बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो ये मेरे हाथ में आ गया, अब इसको फिर से बंद करना है तो ऐसे आपको थोड़ा सा की को आपको घुमाना पड़ेगा अगर आपको इसको बंद करना है, ये ऐसा आप इसको बंद कर सकते हैं। एंड अटेंशन टू डिटेल, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो यहाँ पे भी SD का लोगो दिया गया आपको। अब बात करते हैं इसके हैंडल बार के बारे में, तो पहले एक बार की है वो वापस मैं लगा देता हूँ इसकी जगह पे, नहीं तो मैं की भूल जाऊँगा। हैंडल बार क्यूट वाला है, छोटा सा है, बाइक का जो ओवरऑल डिज़ाइन है उसके ऊपर अच्छे से जमता है ये। तो आप अगर ऐसा बैठते हो ठीक है तो सिटिंग पोस्चर एकदम से अपराइट है। अब ये सिटिंग पोस्चर आपको यू नो कहाँ पे हेल्प करेगा कंफर्टेबल राइड करने में, सिटी के अंदर आप घंटा दो घंटा तीन घंटा इसको चला लो आपको अच्छे से ये हेल्प करेगा। थोड़ा सा राइडर की तरफ है, थोड़ा राइडर की तरफ है, ऐसा ऊपर नहीं है, थोड़ा आपकी तरफ है, तो आप क्या है ऐसा आराम से बैठ सकते हो। आपको ऐसा हाथ पूरा सीधा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सामने झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लच लीवर ब्रेक लीवर क्वालिटी सो गुड। थोड़ा सा क्लच लीवर मुझे हार्ड लगा वो इसलिए बिकॉज मैं आज इसको पहली बार चला रहा हूँ, मतलब आज सुबह से मैं इसको चला रहा हूँ तो मुझे थोड़ा हार्ड लग रहा है। आई विल गेट यूज टू इट विद इन 2-3 डेज। एडजस्ट करने का कोई ऑप्शन यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है,
बट स्टिल गुड, नॉट एन इशू। आप अगर एडजस्टेबल नहीं है तो भी इसको आप आराम से यूज़ कर सकते हो, आपके हाथ छोटे हैं बड़े हैं कुछ टेंशन यहाँ पे नहीं रहेगा। यहाँ पे आपको सामने की तरफ हाई बीम लो बीम पास का स्विच दिया गया है, यहाँ पे 3-4 स्विच और दिए गए हैं, ये इंडिकेटर का स्विच है, ये हॉर्न का स्विच है। आपको एक बार हॉर्न भी सुना देता हूँ, नहीं तो आप बोलोगे भैया पूरी बात कर ली हॉर्न नहीं सुनाया। ये जो बटन दिए गए हैं ये टॉगल करने के लिए दिए गए हैं, जो सिस्टम कंट्रोल के अंदर 2-4 आपको ऑप्शन देखने हैं वो इनकी मदद से आप देख सकते हैं। राइट हैंड साइड में आपको इंजन किल स्विच, हजार्ड लाइट का स्विच, हजार्ड लाइट का स्विच तीनों ही गाड़ियों में मिलता है, हजार्ड लाइट आपको तीनों ही गाड़ियों में मिलती है, एंड सिंगल टच है, मतलब आपको एक बार पुश करना है वो अपने आप बंद हो जाएगा। यहाँ पे सेल्फ स्टार्ट का बटन दिया है एंड किक स्टार्ट नहीं दिया है। आजकल किक स्टार्ट बहुत ही कम गाड़ियों में देखने को मिलता है। LCD स्क्रीन यहाँ पे दी गई है। अब इसका डिज़ाइन है ना बहुत क्यूट है। देखो कई कई बाइक्स में क्या होता है, पूरी बाइक अच्छी होती है लेकिन सिस्टम कंसोल ऐसा लगा देते हैं कि बाइक के ऊपर सूट ही नहीं होता है। बट ये बाइक का आप देखो, ये आप पोर्शन देखोगे ना, ये बहुत अच्छा दिखता है। अब इस वाले में एकदम बीच में लगाया गया है एंड जो स्क्रैम्बलर है उसमें राइट हैंड साइड में लगाया गया है। इसमें ऑप्शन आपको बहुत सारे मिलते हैं, हालांकि कुछ ऑप्शन जो है जो मुझे यूज़ करने नहीं आ रहे हैं, हमने सब ट्राई करके देख लिया लेकिन वो ऑप्शन हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि इसके अंदर आपको 3 मोड मिलते हैं, ABS के, ऑफ रोड, रोड एंड रेन। इसके अंदर वो ऑप्शन दिखाएगा, अगर मैं इसको ऑफ करके ऑन करूँ तो आप ध्यान से देखिए, आपको शायद दिख रहा होगा, ये देखिए साइड स्टैंड, ऑफ रोड, रेन मोड, ये दिखा रहा है यहाँ पे, लेकिन मैं टॉगल नहीं कर पा रहा हूँ। तो शायद कोई ऐसा स्विच है जो मुझे यूज़ नहीं करना आ रहा है। लेकिन इसके अंदर आपको 3 ABS के मोड मिलते हैं। ऊपर आप देखोगे तो बैटरी, टेम्परेचर, ABS, इंडिकेटर, न्यूट्रल, हाई बीम, इंडिकेटर, यहाँ पे इंजन माल फंक्शन, पेट्रोल। अब बीच में जो स्क्रीन है काफ़ी क्यूट दिखती है भाई, बहुत अच्छी दिखती है, प्रीमियम आपको फील देती है। आई होप आपको दिख रहा होगा बिकॉज धूप है, अभी आपको कैमरे में धूप नहीं दिख रही होगी। यहाँ पे आपको दिख रहा है टैकोमीटर, मतलब RPM। नीचे आपको गियर पोजिशन इंडिकेटर दिया गया है और नीचे आपको क्लॉक दी गई है, उसके ऊपर यहाँ पे जो पेट्रोल है उसका इंडिकेशन दिया गया है। ऑडोमीटर रीडिंग 56 किलोमीटर चल चुकी है। ट्रिप ए, ये बटन आपको दबाना है, ट्रिप ए, ट्रिप बी, ऑडोमीटर। अब इसके अलावा मैं कुछ ऑप्शन इसके ऊपर नहीं देख पा रहा हूँ। अब हम एक काम करते हैं, अब इसको हम लेके चलते हैं और चलने के टाइम पे बात करते हैं। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इसका गियर जो है न्यूट्रल में लगा लूँ। तो जैसे आप बाइक पे बैठते हो सेटिंग पोस्चर एकदम से अपराइट है। थोड़ा सा मुझे लगता है कि देखो, अब मैं ऐसा धक्का मार रहा हूँ ना तो इसका जो फुटपैक है वो मेरे को टच होता है थोड़ा सा, बट अगर आपको पीछे ऐसा लेना है तो ये फोल्ड हो जाएगा। बट आप जब खड़े होते हो ना वो टाइम पे थोड़ा टच होता है, देख लीजिए। आप ऐसे सामने पैर रख के नहीं खड़े होगे ना, ऐसे खड़े होगे तो ये टच होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे, आई होप आपको दिख रहा होगा। तो ये दिक्कत नहीं है, यू विल गेट यूज टू इट। एंड वैसे भी ये फोल्ड हो जाता है जब आपको टच होता है ना, तो ये फोल्ड हो जाता है, बस आपको बता रहा हूँ कि ये थोड़ा टच होता है। तो अब इसको लेके चलते हैं। तो 139 टॉप स्पीड हमने अचीव की है। गियर शिफ्ट काफ़ी स्मूथ है, वो कट कट वो जो साउंड आता है वो आपको नहीं आएगा इसमें। अभी आप देख सकते हैं आपको शायद वो साउंड नहीं सुनाई देगा, एकदम से स्मूथ गियर शिफ्ट हो रहा है। क्लच का जो पुल है थोड़ा सा मुझे हार्ड लग रहा है, जैसा मैंने आपको बताया कि यू नो एक दो दिन आप चलाओगे इसको तो आप यूज टू हो जाओगे। इतना हार्ड नहीं है कि आपको उसको प्रेस करने में या फिर ट्रैफिक में बार बार अगर आप गियर चेंज करते हो वो टाइम पर आपको दिक्कत होगी। तो गियर बॉक्स बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लच का जो पुल है वो भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ज़्यादा कुछ तकलीफ होने वाली नहीं है इससे। आप डेली चला सकते हो सिटी के अंदर 50-60-80 किलोमीटर, जितना आपको चलाना है उतना आप चला सकते हो। इसकी जो विजिबिलिटी है ये बहुत अच्छी है, आपको शायद कैमरे में उतनी नहीं दिख रही होगी बिकॉज कैमरा उतना जो एक्चुअल व्यू है उसके साथ जस्टिफिकेशन नहीं कर पाता है, बट
मैं मेरी आंखों से देख रहा हूँ, मुझे इसका जो व्यू है एकदम से सही दिख रहा है। मतलब जो चीज़ मुझे यहाँ पे देखनी है वो झट से दिख जाती है, मुझे ऐसा नहीं कि ऐसा ढूंढना पड़ता है कि भाई कंट्रोल ऐप मार के यहाँ पे ढूंढना पड़ता है, वो चीज़ नहीं करनी अपने को। आप सामने भी देख सकते हो, इसको भी आप सडनली ऐसा एक हाफ सेकंड नीचे देख के आप देख सकते हो कि हाँ भाई फोर्थ गियर में चल रही है, हाँ भाई 37 किलोमीटर की स्पीड पर चल रही है, इजिली आप इसको देख सकते हो। ये है सिर्फ शो के लिए। ब्रेक्स की बात करें तो मैं एक काम करता हूँ कि 60 की स्पीड पर ले जाके इसमें हम ब्रेक यूज़ करेंगे। अब इसमें मिरर्स नहीं लगे हैं, मैं विदाउट मिरर्स चलाना पसंद नहीं करता, लेकिन ये गाड़ियाँ कल ही शोरूम में आई है, हम थोड़ा जल्दी लेके आ गए उनको वीडियो बनाने के लिए, तो ये मिरर्स वगैरह फिट नहीं किए गए हैं, बट जब आप बाइक लोगे तब आपको मिरर्स मिल जाएंगे, सब कुछ मिलेगा जो एक बाइक के साथ मिलना चाहिए। अभी आपको मैं ब्रेक मार के दिखाता हूँ, तो मैं 60 की स्पीड पर लेके आपको ब्रेक मार के दिखाता हूँ। वाह, मतलब आपको वो कॉन्फिडेंस आता है कि भाई मैं जहाँ पे ब्रेक लगा रहा हूँ वहाँ पे ब्रेक लग जाएंगे, वो आपको कॉन्फिडेंस पक्का आएगा। एक चीज़ और आपको बताऊँ ब्रेकिंग को लेके, टायर जो है ना MRF के ये बाइक पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, हाई स्पीड पे भी एंड इन टर्म्स ऑफ ब्रेकिंग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। स्टेबिलिटी जो है हाई स्पीड पे मुझे काफ़ी अच्छी लगी, 110 115 की स्पीड तक आप इसको आराम से चला सकते हो विदाउट एनी इश्यूज, कोई वाइब्रेशन नहीं आएगा, आपको लगेगा ही नहीं कि बाइक यू नो आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है या फिर स्टेबल नहीं है, बहुत स्टेबल फील कराती है। यहाँ पे एक बड़ा सा गड्ढा है उसमें डाल के देखते हैं, ये देखो पीछे का सस्पेंशन थोड़ा मुझे हार्ड लग रहा है, एंड पीछे आपको प्रीलोड यू नो जो एडजस्टेबल ऑप्शन है वो आपको दिया गया है, अगर आपको ज़्यादा हार्ड लग रहा है तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। आप मैनुअल कुछ नहीं कर पाओगे, मतलब आपके हिसाब से आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे, कंपनी ने जो ऑप्शन दिया है वही आपको यूज़ करना पड़ेगा। अब बात करते हैं इंजन के बारे में, तो क्लासिक लीजेंड्स जो इंडिया में जावा की गाड़ियाँ बनाती है वो ही ये गाड़ियों को इंडिया में लेके आए हैं, आई मीन जावा के साथ। ओबियसली ये गाड़ी जो ESD की मिल रही है ये जावा के शोरूम में आपको मिलेगी। रिफाइनमेंट जो आपको जावा जैसे 42 है, क्लासिक है, उनमें जो मिलता है सेम लेवल का आपको रिफाइनमेंट मिलेगा, बट मुझे लगता है कि जो पुल है ये वाली बाइक्स जो है ना इनका थोड़ा ज़्यादा है, इनका पुल थोड़ा मुझे अच्छा फील हुआ। जो हायर RPM पे जैसे फर्स्ट गियर में आप इसको हायर RPM पे खींचोगे ना, तो जो यू नो जो हार्शनेस होता है ना इंजन का, मतलब थोड़ा रफ़ फील करता है, ये मुझे बिल्कुल फील नहीं हुआ, वो रफ़नेस जो है ना वो मुझे बिल्कुल फील नहीं हुई ये बाइक में। यहाँ से एक बार यू टर्न ले लेते हैं, आपको मैं इसका टर्निंग रेडियस पे दिखा देता हूँ, पहले एक बार पीछे देख लेते हैं, इंडिकेटर यूज़ कर लेते हैं। आप देख लो मैं पूरा टर्न कर दिया है, टर्निंग रेडियस आप देख सकते हैं, ज़्यादा बड़ा टर्निंग रेडियस नहीं है, छोटा ही है, एंड ये रोड खुली नहीं है मतलब रेगुलर पब्लिक के लिए, तो यहाँ पे हम नॉर्मल जैसे जा सकते हैं, थोड़े बहुत लोग जा रहे हैं यहाँ पे। ओके, इंजन जो है ना वाइब्रेशंस फ्री है, आपको एक यू नो नॉर्मल स्पीड जैसे 110 115 वो स्पीड तक आपको किसी भी तरीके के वाइब्रेशन फील नहीं होंगे। नॉर्मल मैं वाइब्रेशंस की बात कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत तो बज आपको यहाँ वहाँ आएगा बिकॉज ये सिंगल सिलेंडर इंजन है। वीडियो चल रहा है, वो बोल रहा है कि इसको बिठा के लगा भाई मेरा वीडियो चल रहा है। इंजन स्मूथ है, आप चाहे हायर RPM पे देख लो, चाहे लोअर RPM पे या फिर मिड RPM पे, लेकिन इसका जो प्रॉपर पुल आता है ना, आपको मैं एक बार सेकंड गियर में खींच के दिखाता हूँ, वो आता है आई थिंक मेरे हिसाब से 4000 RPM के बाद में। ये आप देखो, जो क्विक पिकअप है ना वो आता है 4000 या फिर 4500 RPM के बाद में, उससे नीचे आपको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाँ अभी भागने वाली है गाड़ी, ऐसा कुछ फील होता है। मेरे हिसाब से जो गाड़ी का पिकअप है वो शानदार है, एंड ये इंजन CC सेगमेंट में मेरे हिसाब से यू नो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बाइक है, ऑलमोस्ट 29-30 BHP का पावर है। आपको और कितना ही चाहिए एक 334 CC की बाइक से, सिंगल सिलेंडर है, जो पावर जावा देती है या फिर ESD भी दे रही है, मुझे लगता है कि इतना ही आप पावर एक्सपेक्ट कर सकते हो एक 330 और 350 CC की बाइक से, तो पावर के मामले में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। हालांकि आपको थोड़ा सा लोअर RPM पे 3-4000 RPM तक ऐसा लगेगा कि हाँ यार गाड़ी अभी भागने वाली है, और सडनली भागती है। मिड RPM जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अभी मैं फोर्थ गियर में हूँ, आपको एक बार मैं इसका एक डेमो देता हूँ, मैं फोर्थ गियर में हूँ, 4000 RPM पे मैं जाता हूँ, उसके बाद में आप इसका पावर देखो। तो आपने देखा ऑलमोस्ट 4500 RPM के बाद में ये क्विकली पिकअप करती है, एंड वाइब्रेशन आपको है ना सिर्फ एंड सिर्फ 110 115 जो स्पीड है उसके बाद में थोड़े से आते हैं, थोड़ा बजिंग
जो फील है वो आता है, जैसे यू नो पैरों पे। नॉर्मली गाड़ियों में क्या होता है, यहाँ टैंक पे हैंडल बार पे आता है, हैंडल बार वगैरह पे और टैंक पे, इसमें कोई वाइब्रेशन आपको नहीं आते हैं, चाहे आप 110 की स्पीड पे चलो या फिर 120 की स्पीड पे। साउंड जो है मुझे काफ़ी अच्छा लगा, जो बाइक का ओवरऑल लुक है, बाइक का जो इंजन का परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से बाइक की जो साउंड है वो काफ़ी सूट करती है बाइक को। सस्पेंशन पीछे का मुझे थोड़ा सा ऐसा हार्ड लगा जब मैं वो गड्ढे में, आपको मैंने दिखाया था वो गड्ढे में जब मैं बाइक को लेके गया तो थोड़ा सा मुझे हार्ड लगा, बट वो इसलिए हार्ड लगा बिकॉज नॉर्मली आप जानबूझ के कोई भी गड्ढे में बाइक को नहीं गिराओगे। नॉर्मल अगर आप रोड पे चलाते हो, जैसे टूटी फूटी रोड पे भी आप चलाओगे ना, तो आप एक नॉर्मल फील के साथ इसको चला सकते हो, आपको कुछ दिक्कत नहीं होने वाली है। बट सीट जो है ना, मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। आप सॉफ्ट सीट 20-30-40 किलोमीटर आप चलाओगे ना तो ठीक है, बट अगर आपको कभी लॉन्ग राइड करना है ना, तो लॉन्ग राइड में सॉफ्ट सीट आपको बहुत दुख देती है, मतलब समझ जाओ आप सब कुछ जलना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आपको टूरिंग वगैरह ये बाइक पे करनी है तो वो टाइम पे आपको आफ्टर मार्केट सीट या फिर जैसे जेल सीट है, आजकल तो बहुत सारी सीट्स आ रही हैं मार्केट में, वो आपको लगानी पड़ेगी। बैठने का जो तरीका है और जो सीटिंग पोस्चर है वो काफ़ी अच्छा है, सीटिंग कंफर्ट काफ़ी अच्छा है। अगर आप सिटी के लिए इसको यूज़ करते हो, 30-40-50 किलोमीटर आप डेली चलाते हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ दिक्कत आने वाली है। बट अगर आपको लॉन्ग टूरिंग करना है, जैसे आपको एक ही स्ट्रेच में 200 किलोमीटर मारना है या फिर 150 मारना है, तो आपको दिक्कत हो सकती है, अपना जो बैक है वो हर्ट करने लग जाएगा, जलने लग जाएगा। आप देख लीजिए मैं फोर्थ गियर में 39 की स्पीड पर चल रहा हूँ, थोड़ा अगर मैं इसको लोअर स्पीड में लाता हूँ हायर गियर में तो इंजन स्ट्रेस फ्री है, ऐसा मुझे लग नहीं रहा कि स्टॉल कर रहा है या फिर बंद होने की कगार पे है। सो फोर्थ गियर में आराम से 30-35 की स्पीड पे आप क्रूज कर सकते हो, लेकिन यू नो कीप इट रिमेंबर कि हायर गियर में लोअर स्पीड पे मत चलाइए। हाँ, सेकंड थर्ड गियर ओके है, बट फोर्थ गियर में आप लोअर स्पीड पे मत चलाइए। एटलीस्ट मैं जो स्पीड पे चला रहा हूँ वो स्पीड पे आप मत चलाइए, उससे क्या है आपका जो गियर बॉक्स है बाइक का उस पर यू नो प्रॉब्लम होता है, जो क्लच प्लेट है उस पर भी थोड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो आप यू नो थर्ड गियर पे 30-35 की स्पीड आराम से चला सकते हैं, 40 की स्पीड उसके बाद में आप फोर्थ गियर में शिफ्ट कर लीजिए। ये आपको सिर्फ मैं डेमो दे रहा हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि हाँ लोअर गियर में भी बाइक यू नो स्टॉल नहीं करती है। अब रही बात माइलेज की, 12.5 लीटर का इसका पेट्रोल टैंक है, माइलेज आप ये बाइक से एक्सपेक्ट कर सकते हो अराउंड 30 से लेकर 35। कंपनी ने मेरे हिसाब से अभी कुछ क्लेम नहीं किया है, तो 30-35 KMPL का माइलेज आपको आराम से मिल जाना चाहिए। अगर आप स्पीड मेंटेन करते हो 60-70 सिटी के अंदर, ओब्वियसली आप सिटी के अंदर मुझे लगता नहीं कि आप एवरेज 60-70 स्पीड मेंटेन कर पाओगे सिटी के अंदर। अभी हैदराबाद में 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मैक्सिमम है सिटी के अंदर, तो अगर आप 40 की स्पीड मेंटेन कर रहे हो ना, स्पीड लिमिट के अंदर चला रहे हो, तो आपको 40 माइलेज भी दे सकती है बाइक, ऐसी है। बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स हाउ यू राइड इट, कौन से क्या RPM पे आप कौन सा गियर शिफ्ट कर रहे हो, क्या RPM पे आप चला रहे हो, क्या स्पीड पे चला रहे हो। बट अगर आप 60-70 की स्पीड एवरेज मेंटेन करते हो ना, तो आपको 35 का माइलेज आराम से दे देगी। इसका जो क्रूजिंग स्पीड है हाईवे पे, अगर आपको क्रूज करना है तो क्रूजिंग स्पीड इजीली आपको बता रहा हूँ मैं, विंड ब्लास्ट आपको थोड़ा लगेगा बट 100-105 और 110 तक भी आप मेंटेन कर सकते हो। बट अगेन दिस इज़ नॉट ए टूरिंग व्हीकल, तो अगर आपको टूरिंग वगैरह थोड़ा बहुत लॉन्ग राइड वगैरह करना है तो आप आराम से 100-105 मेंटेन कर सकते हो। अगर आपको टूरिंग करना ही है यही बाइक पे, तो आप एक थोड़ा बड़ा विंडशील्ड आप लगा सकते हो, बिकॉज ये रिमूवेबल है, आप रिमूव कर सकते हो उसको। अभी प्रोबेबली कंपनी की तरफ से आपको आफ्टर मार्केट यू नो ये विंडशील्ड नहीं मिलती है स्पेशली ये बाइक के लिए, बट हो सकता है कि डिपेंड्स कि कस्टमर का रिक्वायरमेंट कैसा रहता है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर सकती है। अभी ये स्पीड ब्रेकर आप देखिए कितना बड़ा है, पीछे एक बार लेके चलता हूँ मैं, कितना बड़ा स्पीड ब्रेकर है ये आप देख लीजिए, कैमरा आपके ऊपर है तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा, बट काफ़ी बड़ा स्पीड ब्रेकर है। आपको एक बार मैं इसके ऊपर से लेके ले जाके दिखाता हूँ, देखो अब मैं यहाँ पे अगर रोक दूँ गाड़ी को तो आप देख लीजिए कितनी जगह नीचे बचती है, ये आप देख लीजिए अभी भी बहुत बहुत जगह बची है, मेरे हिसाब से 30-35 mm जगह अभी भी बची है यहाँ पे। अगर आप दो लोग भी बैठ के इस पे जाते हो तो बिल्कुल इतने बड़े स्पीड ब्रेकर के ऊपर भी ये टच नहीं होगी। अभी मुझे लगता है कि फ़ैन इसका ऑन हो गया, नॉर्मली अपने को गर्मी यहाँ से लगती है, ऊपर भी धूप पड़ रही है, यहाँ से मुझे थोड़ी गर्मी लगनी चाहिए, लेकिन मुझे ऊपर वाली गर्मी लग रही है, लेकिन ये वाली गर्मी नहीं लग रही है, बिल्कुल भी गर्म नहीं हुई है बाइक अभी तक। इससे पहले मैंने इसका टॉप स्पीड टेस्ट किया था, तो जब से मैं ये बाइक को चला रहा हूँ एक दो मिनट मैंने इसको बीच में बंद किया है, ज़्यादा मैंने इसको बंद नहीं किया है, लेकिन अभी भी मेरे को थोड़ी बहुत भी गर्मी फील नहीं हो रही है, एंड अभी हैदराबाद में गर्मी पड़ना स्टार्ट हो गया है। तो ये था मेरा रिव्यू और मेरा ओपिनियन ये बाइक के बारे में। अब जिसको एक रोडस्टर बाइक चाहिए, डेली यूज़ के लिए बाइक चाहिए, एंड कभी कभी आपको टूरिंग वगैरह करना है,
तो मेरे हिसाब से ये बाइक आपके लिए परफेक्ट हो सकती है। एंड इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, पावर कोई कमी नहीं है भाई, इतनी पावर मुझे नहीं लगता कि और कोई बाइक देती है आपको ये प्राइस पॉइंट पे। लुक्स के मामले में भी बाइक काफ़ी अच्छी है। लाइट्स वगैरह है वो हम अभी दिन में टेस्ट नहीं कर पाएंगे, वो हमें अगर गाड़ी मिली तो नाइट में एक बार टेस्ट करके आपको बताएंगे। अभी आपको शायद फ़ैन की आवाज़ आ रही होगी, तो फ़ैन चालू है। सो दैट्स ऑल गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, नीचे आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए कि आपको ये गाड़ी कैसी लगी। और आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके ज़रूर बताएं कि इस बाइक के अलावा आपको क्या लगता है कि अल्टरनेट ऑप्शन या फिर आप कौन सी बाइक लेना पसंद करेंगे। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राइड सेफ एंड ऑलवेज वेयर योर हेलमेट। बाय बाय, टेक केयर।